पर छोड़ रख यार। कौन सी मूवी देख के आ रहा हूँ? सैम बहादुर देख के। कैसी लगी सैम बहादुर? सैम बहादुर सैम बहादुर है। विक्की कौशल का एक्टिंग कैसा लगा? अरे क्लास एकदम सुपर। एंट्री कैसा था? एंट्री क्या, एंट्री शुरू से ही अच्छी एकदम ग्रिप करके रखा, एक्टिंग बहुत बढ़िया की उसने, एकदम पिक्चर में जान डाल दी पूरी। आपको लगता है कि कोई आप मेजर साहब को देख रहे हो ऐसे, इतनी ज्यादा रियल मेजर रियल। कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या पसंद आया? कहना ये चाहेंगे कि ये साल का अवार्ड लेके जाएगा बेस्ट एक्टिंग, गारंटी के साथ मिलना चाहिए उसको, इतनी जान है उसके अंदर। हम तो सैम बहादुर के, उसकी वाइफ का काम अच्छा है, सोना सर क्या नाम है उसका, मल्होत्रा, सानिया मल्होत्रा, शीज रन गुड जॉब, बाकी और कुछ नहीं। सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग्स नहीं देखते यार, वॉर की पिक्चर में सॉन्ग नहीं इतने जोरदार नहीं, लास्ट का गाना फिर भी अच्छा था लेकिन सॉन्ग्स को याद नहीं, इतने बड़े सॉन्ग्स नहीं है, छोटे छोटे सॉन्ग्स हैं। एक्शन कैसा था मूवी के अंदर? एक्शन मूवी थोड़ी है यार, देश की पिक्चर है, वॉर की पिक्चर है, फौज की पिक्चर है, मिस वेल पोर्ट्रेट पिक्चर है। हाँ, जॉन मक्सर देख के थोड़ी देशभक्ति तो आती है, लोगों को आएगी, बच्चे अभी जाएंगे देख रहे हैं। जैसे कि रियल स्टोरी पे मूवी बनी है, बायोग्राफी है, कितना श्याम बहादुर के रियल में मतलब कितना खतरे उतरे हुए हैं? खतरे मतलब मैं बोलता अवार्ड लेके जाएगा मतलब क्या बोलूँ, से आगे आपको 10 में से 100 मार्क्स दे सकते हैं आप उसको, इतना नेचुरल एक्टिंग, इतनी परफेक्ट एक्टिंग है, इससे अच्छा कोई दूसरा कोई एक्टर एक्ट नहीं कर सकता था जिसने ये जान डाली, पूरे 5 मार्क्स। चलो सर, कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? सैम बहादुर। कैसी लगी सैम बहादुर? सैम बहादुर काफ़ी अच्छी लगी, मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी एजुकेटिव है, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने काफ़ी रिसर्च करके, स्पेशली राइटर्स ने काफ़ी रिसर्च करके पूरा स्टोरी लिखी है एंड यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। जैसे कि सैम बहादुर एक रियल स्टोरी है जी, सैम के ऊपर बना हुआ है, तो विक्की कौशल किस तरह से किरदार निभा पाए उनका? काफ़ी अच्छे से निभा पाए हैं, उनकी जो वीडियोस इंटरव्यूज अवेलेबल हैं उसमें उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, उसको काफ़ी अच्छे से उन्होंने कैप्चर करा है। आई थिंक ही हैज डन अ फंटास्टिक जॉब एंड यू शुड वॉच सैम बहादुर। काफ़ी एक्शन भी है मूवी के अंदर? एक्शन है बट इट्स नॉट डायरेक्टेड इन अ वे यू फील लाइक इट्स एक्शन, इट्स हाउ द मिलिट्री ऑपरेट्स एंड दैट्स हाउ विल यू फील इट। मूवी कहीं ना कहीं कुछ मैसेज दे रही है? No, there's no message inside it. It's just, it's a biopic on a person's life who was there on a very important turn of our country's history. So it's nice to learn about it. मूवी में काम सबका अच्छा है, इट्स अ क्वाइट गुड मूवी, यू शुड वॉच इट। 4 देना चाहूँगा। इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट बेटर, द म्यूजिक लैक्ड अ लिटिल बिट। Thank you. सैम बहादुर वॉज लाइक सैम बहादुर वॉज एक्चुअली अमेजिंग, उसमें जो विक्की कौशल की एक्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी आई वुड से, एंड सबको देखनी चाहिए बिकॉज इसमें जो सानिया के साथ केमिस्ट्री दिखाई है दैट्स अमेजिंग, देन जो फातिमा ने इंदिरा गांधी का रोल किया है, द होल लुक, द होल एक्सेंट, इट वॉज ब्यूटिफुल, जहाँ फन पार्ट रखना चाहिए था बहुत अच्छे से उन्होंने रखा है, एंड आई वुड से जब आप देखने जाओगे मूवी आपको खुद फील होगा कि यार मज़ा आएगी, बॉस देखो जाकर। मूवी आर्मी के ऊपर है, सैम बहादुर के ऊपर है, कहीं ना कहीं विक्की कौशल किस तरह से किरदार निभा पाए कि नहीं, एक रियल स्टोरी। सी विक्की कौशल का ये जॉनरा बेस्ट है पहली बात, ठीक है, एंड उसको इसमें उसने बहुत अच्छे से निभाया है, आई वुड से जो उसका पोस्चर था पूरी मूवी में बिकॉज ऑफ द एक्टिंग थिंग वॉज ब्यूटिफुल, मतलब इतना एक्यूरेसी मुझे लगी, ऑब्वियसली आई हैवन मेड सैम बहादुर, ऑब्वियसली आई के नॉट, बट जितना भी दिखाया एक्टिंग वाइज आई थिंक उसने बहुत जस्टिस किया एक्टिंग में, एंड सबको देखना चाहिए। आपको डायलॉग पसंद आए कोई? काफ़ी डायलॉग्स थे उसमें एंड में, अब मैं स्पॉयलर तो नहीं देना चाहूँगी बट या आई एम ओके। साथी क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मूवी में पसंद आया? मूवी में मुझे पूरा जो स्टोरी लाइन था अच्छा लगा, जिस तरीके से दिखाया है वो अच्छा लगा, आई वुड जस्ट से कि वो जो बेस बना के रखना था वो रखा, ऑडियंस ने भी बहुत सपोर्ट किया बिकॉज दे मेंटेन्ड वेयर दे वर सपोज टू बी क्वाइट, एंड वो तभी होता है जब एक्टिंग उस लेवल की होती है। डायरेक्शन बहुत अच्छा था। आई वुड से 4.5 बिकॉज इट्स अ वर्थ वॉच मूवी एंड एवरीवन शुड वॉच इट। कैसी लगी सैम बहादुर? बहुत अच्छी मूवी है, विक्की कौशल ने बहुत मेहनत किया है, ऐसा लगता है नहीं हम बायोपिक देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लाइव मानेकशॉ को देख रहे हैं, भाई पिक्चर को अवॉर्ड मिलना चाहिए विक्की कौशल को पर्टिकुलरली, और बाकी जो स्टार है सपोर्टिंग में
फातिमा इंदिरा गांधी का रोल निभाया, अच्छा निभाया उसने। और दूसरा जो है सानिया मल्होत्रा, उसकी वाइफ बनती है, केमिस्ट्री अच्छी है दोनों की। हाँ, बहुत अच्छी तरह निभाया बेखूबी, मुझे लगता नहीं, वो यंग है लेकिन वो ओल्ड था मानेकशॉ का, उसने बहुत अच्छा स्टडी किया है इस रोल के लिए और अच्छा काम किया है। आपको कोई डायलॉग पसंद आया? आई एम ओके डायलॉग है अच्छा। साथी और क्या कुछ बताना चाहेंगे, कोई पार्ट कोई सीन पसंद आया हो आपको? उसके दो गाने हैं, एक तो इतनी सी बात गाना है, बहुत अच्छा गाना है, दूसरा जो गाना है बढ़ते चलो, अच्छा इंस्पिरेशन है। पाँच में से पाँच रेटिंग उसको भी, पिक्चर को भी पाँच में से पाँच। हाँ अच्छा, कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं नहीं है, सबको देखनी चाहिए सर, देशभक्ति की फिल्म। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। सैम बहादुर कैसी लगी आपको? सैम बहादुर मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, और स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए मैं देखने गया था फिल्म, और इंडियन आर्मी को सैल्यूट है बिकॉज, और अगर देखा जाए विक्की कौशल की एक्टिंग को, तो विक्की कौशल की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज उन्होंने जिस तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी बोल के एक्शन बोल के हर कोई निकल जाता है, हर कोई एक्टर ऐसे करता है, लेकिन जो उन्होंने अपने आप को पूरा चेंज किया, लग रहा था कि वो एक सैम बहादुर है, नॉट ए विक्की कौशल। आप भूल जाओगे कि विक्की कौशल को देख रहे हो आप थोड़ी देर के लिए, और कहीं कहीं जगह पर तो रोंगटे खड़े करने वाली परफॉर्मेंस दी उन्होंने। जैसे उनको जो रियल अगर बात की जाए फिल्म से हट के, सैम बहादुर जो रियल थे उन्होंने, उनको यार 9 से 10 गोलियाँ लगी थी, उसके बाद भी बंदा रिटायरमेंट तक अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा था और काम कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ आपको, आप फिल्म, मैं यही बोलूँगा यूथ को फिल्म देखनी चाहिए बिकॉज क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी जंग हुई थी, ठीक है, उस जंग के पीछे देखा जाए अगर इंदिरा गांधी तो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, दिमाग किसका था? सैम बहादुर का। तो सैम बहादुर को सैल्यूट है यार। और सबसे बड़ी बात, जो मेघना मैम जो फिल्म की डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया फिल्म को। मैं चाहूँगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आए और फिल्म को देखें। विक्की कौशल कितना खरे उतर पाए या नहीं? मैंने अभी आपको वही बोला कि मैं 5 में से 5 दूंगा उनकी परफॉर्मेंस को एज एन एक्टर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, जो मतलब जो अपने इसमें थे फातिमा मैम जो इंदिरा गांधी का प्ले किया था उन्होंने, और साथ ही साथ उनके साथ अपना सानिया मल्होत्रा जो उनकी वाइफ थी, वो सटल एक्टिंग की जैसे ज़रूरत थी। सॉन्ग्स कैसे थे? सॉन्ग्स मुझे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज एक ही गाना ज़्यादा अच्छा लगा, उसके लिए मैं 3.5 दूंगा 5 में से। फाइव में से 4.5। थैंक यू थैंक यू। अरे बाप रे, मैं विक्की कौशल की फिल्म देख के आ रही हूँ, सैम बहादुर। कैसी लगी सैम बहादुर? फिल्म बहुत अच्छी लगी। विक्की कौशल खरे उतर पाए कि नहीं? बहुत ही खरे उतर पाए हैं। ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये चीज़ बहुत समझ में आई कि विक्की कौशल को ही ये कैरेक्टर करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक मोमेंट पे भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी एक्टिंग से कहीं भी कैरेक्टर को छोड़ा नहीं है, और उस चीज़ को जस्टिस इतना देना था कि सैम बहादुर में, अगर हम फिल्म देखते ना तो हमें विक्की कौशल देखना ही नहीं था, हमें सैम बहादुर देखना था, और मैंने सैम बहादुर को देखा, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आज के यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए? आज के यूथ को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज फिल्म में बहुत मोटिवेशन है, और कहीं ना कहीं अभी यंगस्टर ना, मतलब ज़्यादातर हम और चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, सोशल मीडिया ये सब, हम वॉर का इन सब चीज़ों का हमें पता ही नहीं है। हम अगर मैं पूछूँ आज के लोगों से कि अच्छा वॉर में कितने लोग लड़े थे, उनको पता ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्में देख के एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि हमारे लिए किन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, किन लोगों ने सक्सेस भी पाई है, और कहीं ना कहीं देखा जाए 8-9 गोली खाने के बावजूद भी जो उनका जज्बा था, कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो उनका इंटरनल जज्बा था जो एक्सटर्नल भी उनको ज़िंदा रख पाया, वो कहते हैं ना उनका जो जुनून था वो उनको ज़िंदा रख पाया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। सैम बहादुर के सिवा और किसका काम अच्छा लगा विक्की कौशल? मुझे ये जिशान अय्यूब का काम बहुत अच्छा लगा, उनको मैं पहचान ही नहीं पाई थी। फातिमा का भी अच्छा था, सानिया मल्होत्रा का अच्छा था, बट जिशान अय्यूब का जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टराइजेशन किया है, ओ माय गॉड, इट वाज फैंटास्टिक। मतलब उनको एक कैरेक्टर को पहचान ना पाना ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत देर बाद मुझे समझ में आया कि ये जिशान अय्यूब है, तो ये बहुत अच्छा था। बहुत इंस्पायर हुई, उन्होंने तो ये सिखाया कि यार अपने काम में परफेक्ट हो जाओ, दूसरों के काम में बिल्कुल भी हाथ ना अड़ाओ आप। डायरेक्शन बात बहुत अच्छा, वो हमेशा अच्छी फिल्में बनाती हैं, और इसमें भी बहुत अच्छा काम किया, कहीं भी फिल्म को बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली नहीं बनाया, राइटिंग डायरेक्शन अच्छा था, स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा था कि फिल्म बोरिंग भी नहीं लग रही थी, तो ये अच्छा था। सेकंड हाफ और भी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि फर्स्ट हाफ बिल्डअप हो रहा था और सेकंड हाफ में काम हुआ था। 4 स्टार। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी बता देता हूँ सर, मैं एक्टर हूँ। सलमान भाई ऐसा दिखते हैं। अरे वाह। सैम बहादुर देख के आ रहे हो आप, कैसी लगी? सैम बहादुर बहुत अच्छी मूवी लगी सर। आप पूछे कि क्या अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा सबसे बेस्ट लगा, तो
तो मुझे ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज उनकी जो स्ट्रैटेजी थी उस एक ही ढाई तीन घंटे की फिल्म में आप देश के इतने सारे लंबे इतिहास को कैसे दिखा सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगा कि अंग्रेज़ों का शासनकाल भी था उस वक्त, लोगों की डिमांड क्या थी, लोग कैसे सोचते थे, और उस वक्त भी हमारे देश के लोग जो है सेना में भर्ती होते थे, उस वक्त भी देश मतलब जब भारत पाकिस्तान एक था तो भारत के जवान जो सभी एक, भारत पाकिस्तान नहीं था तो एक ही देश के लिए लड़ते थे, और इसमें ये भी दिखाया कि बंटवारा हुआ तो उस वक्त लोगों की धारणा क्या थी, कैसे विचार थे एक दूसरे को लेकर और बंटवारे को लेकर खास तौर पे, तो और उस वक्त सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा था जवानों को कि यार तू पाकिस्तान की सेना संभाल, आर्मी के लिए तू वो क्या सिलेक्ट करेगा, तो उस वक्त ये था कि मैं ये देख रहा था यार कितना मतलब कितनी एकता थी हमारे देश में कि एक ही कुछ दिन पहले 100 जवान एक ही देश के लिए लड़ रहे हैं और फिर कुछ ही टाइम बाद उन्हें पता लगता है कि बंटवारा हो रहा है और उन्हीं जवानों को एक दूसरे के अपोजिट लड़ना पड़ेगा, तो कैसी सिचुएशन रही होगी उस वक्त, उसको दिखाया गया इसमें हमें जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी रहा होगा कि यार कितना अच्छा रिलेशन थे एक्चुअल में, तो ये बंटवारा कर गए, डिवाइड एंड रूल जो कर गए अंग्रेज़ चले गए, उन्होंने जो कर दिया है बहुत ही गलत किया है सर, कि एक तरफ जहाँ हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू का देश और एक तरफ मुस्लिम ज़्यादा है तो मुसलमानों का देश, बहुत ही गलत हुआ है ये एक्चुअल में, जो आज तक भरा नहीं गया है नुकसान जो हो रहा है। उसके अलावा विकी कौशल बिल्कुल खरे उतरे हैं सर, जैसा कि सबको क्या बोलते हैं ट्रेलर वगैरह में ही पता लग गया होगा कि विकी कौशल जी कुछ अलग लेके आ रहे हैं, तो वाकई उन्होंने इसको पूरी फिल्म में कैरी किया है, एक कैरेक्टर की जो कैरेक्टराइजेशन होती है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, उन्होंने बखूबी निभाया है इस चीज़ को, और एज एन एक्टर मैं भी ये कहूँगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगती है, एक प्रॉपर स्टडी लगती है किसी कैरेक्टर को करने के लिए, वो इन्होंने किया है, और उसमें कैसे रहा जाए पूरी फिल्म में और अलग अलग जर्नी को कैसे दिखाया जाए वो विकी कौशल ने बखूबी किया है। आज की यूथ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, इंडियन सोल्जर के ऊपर मूवी बनी हुई है? यूथ को लेकर ओके, यूथ को लेकर ये कहूँगा कि यूथ को अपने सबसे पहले अपने भारत के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए और उसके साथ साथ अवेयर रहना चाहिए हर चीज़ के बारे में, और सोशली भी आजकल सोशल बहुत एक्टिवेट है, और जो टेक्निक्स है जो सुविधाएं आजकल है हमारे लोगों के पास उस वक्त नहीं थी, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है फिल्मों के माध्यम से ही पता चलता है कि हमें यार कितना अपग्रेड हो गए हम लोग, उस वक्त सुविधाएं नहीं थी, साधन नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, तो कैसे लोगों को दिक्कतें होती थी, इवन फ़ोन कॉल करने में, लोगों को बताने में, इंफॉर्मेशन देने में, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल। डायरेक्शन नो डाउट बहुत अच्छा था भाई, मैंने बोला कि उन्होंने 1912 थे आई थिंक सीन शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के शासनकाल से लेकर जो एंड तक 1970-75 तक की जो जर्नी दिखाई है एक ही फिल्म में, वाकई काबिल तारीफ था सर, स्टार 4.5 बिल्कुल सर।